दोस्तों, जैसे ही जब भी कोई स्टूडेंट अपनी पास करता है ट्वेल्थ क्लास को, ट्वेल्थ क्लास पास करे, हायर सेकेंडरी पास करे या फिर प्लस टू भी आप इसको बोल सकते हो, सीनियर सेकेंडरी भी आप इसको बोल सकते हो, जैसे ही आप अपनी ट्वेल्थ पास करते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स के सामने बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं कि उन्हें कोर्स कौन सा कंप्लीट करना चाहिए जिससे कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद में इजीली जॉब मिल जाए या फिर अपने करियर में उपलब्धियां वो हासिल कर सके। बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, विजन क्लियर है, जिनका विजन क्लियर है वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर भी पाते हैं, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स दूसरों की एडवाइस के अनुसार अपने कोर्सेज का चयन करते हैं। अगर आपने भी चयन किया है बीएससी एग्रीकल्चर का, तो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में आज मैं बहुत कुछ अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। हालांकि देखा जाए तो अपना देश कृषि प्रधान देश है, बट उसके बावजूद बीएससी एग्रीकल्चर को वो पहचान नहीं मिल पाई जो पहचान इसको मिलनी चाहिए थी। बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में हम बात करेंगे, कितने साल का ड्यूरेशन होता है, किन किन सब्जेक्ट्स में होता है, करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शंस होंगे, फीस क्या होगी, कौन से अच्छे ऑप्शंस हैं और क्या ये जॉब ओरिएंटेड कोर्स है। ऐसे कई सारे सवालों के आपको हम जवाब देंगे। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है काउंसलिंग इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं सभी यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड के बारे में। कोई भी वीडियो आप देखना चाहते हैं, हमारे दूसरे चैनल यूनिवर्सिटी इंडिया पर जाकर आप देखें और इस चैनल पर सभी कोर्सेज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन जरूर मिलेगी, जितने भी कोर्सेज इंडिया या अब्रॉड से कराए जाते हैं। जितने भी कोर्सेज पर आज तक आपने हमसे डिमांड की या हमें कमेंट बॉक्स में हमसे अपने सवाल पूछे, हमने उनके बारे में रिप्लाई किया और बहुत अलग अलग तरह के कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को एक्सप्लोर किया। बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स आप करना चाहते हैं, इसके लिए बड़ी ही बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आपकी बेसिक एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? ट्वेल्थ पास आप कर लीजिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, या फिर कुछ ऐसा आपने किया है जो कि इक्विवेलेंट है ट्वेल्थ के, तो भी आप कर सकते हैं। इसके लिए पीसीएम हो या पीसीबी हो, दोनों ही माध्यम से आप अपना बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। 50% आपके पास मार्क्स होने चाहिए, 50 से ज्यादा हो ज्यादा अच्छी बात है और अच्छे आपको ऑप्शंस मिल पाएंगे। बीएससी एग्रीकल्चर एक डिग्री कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोफेशनल कोर्स इसलिए बोला जाता है कि इसके बाद और भी बहुत सारे दरवाजे आपकी जिंदगी के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए खुल जाते हैं ये कोर्स करने के बाद में। हालांकि ये कोर्स एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, जैसा मैंने आपको भी बताया, अपना देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर इस कोर्स को इतनी ज्यादा वैल्यू, इतनी ज्यादा पहचान नहीं मिल पाई पिछले कुछ दशकों में। पर अगर हम अब की बात करें, तो अब बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स करने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग जगह से एडमिशन लेते हैं, कुछ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जाते हैं। पर जैसा कि मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि पहले आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज का ही रुख करना चाहिए, और अगर वहां आपका नंबर ना आए तो ही आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट कॉलेजेस की आप तरफ जाएं। दोस्तों, आप किसी भी यूनिवर्सिटी के बारे में जानना चाहते हो, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो या डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी हो, या फिर आप किसी भी कॉलेज के बारे में डिटेल जानना चाहते हो या किसी भी बोर्ड के बारे में आप जानना चाहते हो, फिर चाहे वो नेशनल हो, मतलब हिंदुस्तान में जो बोर्ड चलते हैं, यूनिवर्सिटीज चलती हैं, कॉलेजेस चलते हैं, या फिर अब्रॉड का हो, मतलब कि जितने भी स्टूडेंट्स अब्रॉड जाते हैं, विदेश में जाते हैं एजुकेशन लेने के लिए किसी भी कॉलेज में या किसी भी यूनिवर्सिटी में, उन सभी की जो डिटेल्ड वीडियोस है, वो सभी वीडियोस आप हमारे दूसरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस चैनल पर काउंसलिंग इंडिया पर सिर्फ आपको कोर्सेज पर बनी हुई वीडियो मिलेंगी, जो कोर्सेज इंडिया में कराए जाते हैं या फिर आप अब्रॉड करने के लिए जाते हैं। और आप अभी जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी अपकमिंग वीडियोस आती हैं यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस और बोर्ड्स पर, आपको सबसे पहले मिल सके। एडमिशन लेने के लिए, हालांकि दोनों तरह से इसमें एडमिशन होते हैं, कुछ तो एंट्रेंस के थ्रू होंगे, अलग अलग तरह की बॉडीज हैं जो आपके एंट्रेंस करवाती हैं, ज्यादातर गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस के बाद ही आपका एडमिशन लेंगी, बट ऐसी बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं जहां पर आपका एडमिशन डायरेक्ट भी हो जाएगा, डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हैं। और जैसे ही आप एडमिशन लेते हैं, अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि सर फीस क्या होगी अगर हम एडमिशन लेते हैं, तो दोस्तों फीस डिपेंड करता है, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेंगे, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं डायरेक्ट जाकर, तो वहां की फीस लगभग 10,000 रुपए से लेकर 40,000 के बीच में हो सकती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। पर अगर आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी का रुख करेंगे, बीएससी एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, तो मेरा मानना है कि आपको जो वहां फीस पे करनी होगी 40,000 रुपए से शुरू हो सकती है और 1,00,000 रुपए तक ये फीस बिल्कुल हो सकती है।
बीएससी एग्रीकल्चर के लिए ऐसा कुछ खास अप्रूवल की जरूरत नहीं कि अगर वो अप्रूवल ना हो तो यूनिवर्सिटी करा नहीं पाएगी, पर मैं आपको बता दूं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के पास बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर और साथ में ही पीएचडी इन एग्रीकल्चर के ऑप्शंस तो हैं, बट यूनिवर्सिटीज के पास वो प्रैक्टिकल कराने के लिए एक्सपोजर देने के लिए, एक्सपोजर बहुत जरूरी है। आप जब इस तरह की कोर्सेज करते हैं और आपको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है, मतलब क्या प्रैक्टिकली होता है कोर्स करने के बाद, जब तक आपको इन चीजों का ज्ञान नहीं तब तक आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है। कोर्स का ड्यूरेशन है सिर्फ 4 साल, 4 साल में आप ही अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं जो प्रोफेशनल एक कोर्स है। इसके अंदर बहुत सारी अच्छी एक करियर अपॉर्चुनिटीज आपके पास मिल जाती हैं, कोर्स करने के बाद जॉब भी आपकी आसानी से लग जाती है। जो वैकेंसीज आती हैं, वैकेंसीज अक्सर इसकी आती रहती हैं, डिपेंड करता है कि आपने कहां से कंप्लीट किया, कितने मार्क्स के साथ आपने कंप्लीट किया और साथ में ही आपको उसकी कितनी नॉलेज है। दोस्तों हालांकि देखा जाए तो अपने देश में एग्रीकल्चर जो कॉलेजेस हैं वो कम है, इतने ज्यादा कॉलेजेस नहीं है, बट ये पूरी जो कमी थी उसको पूरा कर दिया प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज एक्ट जो 1956 का एक्ट है, जिसमें 2F के तहत सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो बनती हैं, वो सभी यूनिवर्सिटीज बीएससी एग्रीकल्चर आजकल सभी यूनिवर्सिटीज कोर्स कराती हैं, तो इसीलिए आपको इजीली सीट मिल जाएगी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर करना चाहते हैं। किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन जाकर ले सकते हैं, बट जैसा मैं हमेशा अपनी वीडियोस के माध्यम से बोलता हूं कि आप जब भी एडमिशन लें यूनिवर्सिटी को विजिट करें, यूनिवर्सिटी के फैकल्टी मेंबर से मिलें, स्टूडेंट से मिलें और देखें जो पहला जो बैच कंप्लीट हुआ है उस यूनिवर्सिटी का, या फिर जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनका व्यू क्या है, मतलब किस तरह की वहां पर एजुकेशन दी जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा बर्बाद हो जाए और आपको बहुत तरह के खामियाजा आपको भुगतना पड़े। बीएससी एग्रीकल्चर आप करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए किन किन ब्रांचेज में बीएससी एग्रीकल्चर किया जा सकता है। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद अक्सर हमने देखा है कि बीएससी के बाद में स्टूडेंट जॉब की तरफ रुक करते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें जॉब मिल भी जाती है। एमएससी एग्रीकल्चर डिस्टेंस में इजीली अवेलेबल नहीं है, रेगुलर ही आपको ये करना होगा, और पीएचडी जो पार्ट टाइम और रेगुलर दोनों होती है, दोनों ही ऑप्शंस आपके पास होते हैं बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद। बीएससी एग्रीकल्चर में कुछ ब्रांचेस हैं जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर जो पहला पॉइंट आया, बीएससी इन एग्रीकल्चर ऑनर्स भी इसके अंदर होता है, बीएससी इन क्रॉप एंड साइकोलॉजी इसके बारे में भी स्टडी कर सकते हैं, बीएससी इन डेयरी साइंस, साथ में ही बीएससी इन फिशरीज एंड साइंस, बीएससी इन प्लांट साइंस इनके बारे में भी आप स्टडी कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, हालांकि ये कोर्स कुछ पिछड़ा रह गया बट अब कुछ सालों से इसकी बहुत डिमांड है, वैकेंसीज बहुत ज्यादा आती हैं। आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो जॉब ओरिएंटेड के मामले में तो ये कोर्स बिल्कुल जॉब ओरिएंटेड है और बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी और अच्छे करियर अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है किसी भी कोर्स को लेकर, चाहे फिर किसी भी यूनिवर्सिटी को लेकर, आपने सवालों को कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सवाल आप पूछें, हम उसका आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। और दोस्तों अच्छा लगा आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को हर तरह के अपडेट से अपडेट रख सकें जो एजुकेशन के अपडेट्स हम आपके लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।